तो मेरे साथ हैं दरस जी और मैं दरस जी नाल इस समय कुछ गल करना। दरस जी ए दसो कि इन्ना सोना डेकोर, इतनी आई एम श्योर आपको खूब तारीफें मिल रही होंगी हर जगह से, इस डेकोर को करते वक्त आपके जहन में क्या था? व्हाट वाज द ड्राइविंग आइडिया टू गेट दिस ब्यूटीफुल डेकोर? जश्न रेखता मैं इसलिए मैं कर रहा हूँ डिज़ाइन, क्योंकि मैं ऑलरेडी इवेंट स्पेसेस ऐसे डिज़ाइन इंस्टॉलेशन करता रहता हूँ। तो मेरे फ्रेंड हैं राजस्थान कबीर यात्रा में, मैं स्टेज डिज़ाइन करता हूँ, तो वहाँ पे एक और फ्रेंड है जो रेखता के लिए काम करते हैं मुकेश, तो उन्होंने मुझे बुला लिया क्योंकि रेखता फाउंडेशन लैंग्वेजेस पे काम करती है और उर्दू के अलावा उन्होंने अभी राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज पे एक फेस्टिवल किया अंजस, तो दे इनवाइटेड मी देयर टू डिज़ाइन थिंग्स एंड देन दे रियली लाइक इट। सराफ सर ने फिर स्पेशली मुझे बोला कि दर्शन तुम्हें रेखता लिख के लिए आना है, तो उन्होंने स्पेशली मुझे ब्रीफ किया इस रेखता के बारे में और उर्दू ज़ुबान के बारे में, और मेरा पर्सनल कनेक्शन भी उर्दू के साथ जो है उसने मेरे को यहाँ पे खींच लिया। और बहुत इंटरेस्टिंगली इंस्पिरेशन यही है कि उर्दू ज़ुबान में इतना मीठापन है, इतनी सॉफ्टनेस है और इतनी कहते हैं ना सलीका है जैसे आपने पढ़ा, कि वो आपको भी एक सलीके में बांध देती है। तो ये डिज़ाइन की जितनी भी चीज़ें आप देखते हो ये भी बहुत सलीके में बंधी हुई हैं, मतलब हर चीज़ बहुत बहर में है, जैसे एक शेर भी बहर में चलता है। तो उसी तरह से इस डिज़ाइन में आपको जो है रंग की बात करते हैं, तो इसमें कोई भी धर्म पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ों का सेलिब्रेशन नहीं है। रेखता मोहब्बत की ज़ुबान है और ज़ुबान के थ्रू हम रंगों की बात करते हैं और हर रंग यहाँ पे शामिल हो सकता है, तो इसीलिए ये आपको पूरे डेकोर में इतने सारे रंग दिख रहे हैं। सो नीलाक्षी भी थैंक यू रंग में कुछ ऐड कर सकते हैं। हाय आई एम आरजे नीलाक्षी। सो मैं रेखता बहुत सालों से अटेंड कर रही हूँ, लगभग 5-6 सालों से अटेंड कर रही हूँ, बहुत सारे एडिशंस मैंने अटेंड करे हैं। और रेखता का जो मतलब है वो होता है उर्दू को ही रेखता भी बोला जाता है, और मतलब इसे कह रहे हैं कि बहुत ऐसे सफिस्टिकेटेड तरीका एक वर्ड निकल गया उसका, उसे बोलेंगे हम रेखता। तो इस इवेंट के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि इट्स ऑल अबाउट लिविंग दिस। ये जो लैंग्वेज है, शेर व शायरी हो रही है, म्यूज़िक हो रहा है, ये सब जीना है, मतलब ये सब में जान भर देगा, वो आपके अंदर एक एनर्जी भर देगा कि यार कल मंडे है लेकिन लग नहीं रहा कल मंडे, क्योंकि वी आर सो एनर्जाइज्ड आज की यार कल की टेंशन नहीं है कि कल ऑफिस जाना है कल मंडे है। तो ज़ुबान में ना यही जादू होता है कि वो आपको एक जीने का सलीका देता है, एक अदब देता है, एक खुशबू जोड़ जाता है आपके अंदर। और आई थिंक रेखता जो है वो भरपूर तरीके से वो काम कर रहा है अपना जादू छोड़ने का हम सबके अंदर। और सबसे अच्छी बात ये कि इतने यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी कि मतलब इस जनरेशन के लोग उर्दू जैसी ज़बान से जुड़ेंगे और अदब की जो बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया में शायरी की बात होगी और एक्चुअल लैंग्वेज की बात होगी। सो आई थिंक रेखता इज़ डूइंग कमेंडेबल जॉब इन दैट। मुझे एक चीज़ ऐड करनी है इसमें कि ये रेखता जो है मोहब्बत की ज़ुबान, जैसे मैंने बोला आपको, तो जब मैं रेखता के लिए काम कर रहा था, हम डिज़ाइन कर रहे थे, तो सतीश सर जिन्होंने मुझे बुलाया, अगर आप रिलीजियस उस एंगल से देखिए, सोशल एंगल से देखिए, तो सतीश सर एक हिंदू धर्म से आते हैं और मैं एक सरदार हूँ, और मेरे साथ जो रेखता की टीम में बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाई काम कर रहे थे और उनके साथ बैठ के हम शेर व शायरी पढ़ते थे और वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके मैं कुछ चीज़ें क्यूरेट की यहाँ पर। आपने सेल्फी वॉल पे भी देखा होगा कि उसके जो स्काईलाइन है वो हमने उर्दू शब्दों में से निकाली है। तो इसमें एक शेर जो है, शेर सुनते हुए मेरा फेवरेट हो गया, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये मोहब्बत के बारे में ऐसा। तो वो कहते हैं कि क्या करूँगा अगर मैं मोहब्बत में हो गया नाकाम, अरे मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो बहुत खूब आपने देखा कि किस तरह से आपने बताया कि जो ज़बां है उसका काम केवल मोहब्बत व प्रेम है और चारों ओर धूम मची हुई है। आप देख सकते हैं ये सुंदर रंग, ये सुंदर मोहब्बत, जश्न-ए-रेखता।